गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू नरेंद्र ब्लॉग्स। सो गाइज आज संडे और आज गाँव में एक रथ यात्रा जहाँ मैं जा रहा हूँ फिलहाल। और हाँ, आज घर पे ब्लॉग नहीं बना पाया, तो इसी कारण आज रोड पे चलते हुए ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी उठकर बहुत जल्दी रेडी होकर बहुत जल्दी नहा वहाँ कर फ्रेश होकर निकल रहा हूँ, इसलिए टाइम ही नहीं मिला इसके लिए। और रोड में हमको याद आया कि यार ब्लॉग भी शूट करना है बोलकर, तो कर लिया। अभी तो वीडियो भी अपलोड नहीं किया है यार, जाके वाईफाई लेकर वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, बट हमको तो कहीं मिलेगा तो देखते हैं। और फिलहाल तो हम चल रहे हैं उधर की तरफ जहाँ मेरा स्थान है, कल आपको वीडियो में दिखाया था, उधर ही जा रहा हूँ। सो चलो, अभी भी देखो आज भी बादल वैसा ही है, लोग आ गए हैं। और जो हमारा रथ यात्रा है वो अभी फ़िलहाल 7 बजे से, तो इधर ही से थोड़ा थोड़ा गोटा होने के लिए शुरुआत हो रहे हैं लोग, और इधर ही से हम लोग निकलेंगे सब डायरेक्ट, जो इधर से है हमारी टीम उस पर से हम लोग उधर ही मिलेंगे जाकर, कहाँ, बीरगंज के घंटाघर में, लाल बंगला में। सो यहाँ से हम धीरे धीरे, अभी फ़िलहाल गोटा हो रहा है, आज भी मौसम वैसा ही है। सो चलो देखते हैं क्या होता है आज। अभी फ़िलहाल आया हूँ फ्रेंड के घर, अमन के घर, हो गया है पैंट और जूता वूता लगाने, सो उसी के बैठने में फिलहाल यहाँ उसका घर बेट में खाने का होगा। और अभी ब्लैक हो रहा है पूरा, इतना लोग तो पुकी है फिलहाल, अभी और अभी आ रहे हैं, बाइक का कमी है, आदमी की कमी नहीं है, बाइक का कमी है, बहुत लोग आ रहे हैं। मौसम फिर बिगड़ता जा रहा है, बिगड़ता ही जा रहा है, लोग को झंडा मिल चुका है अभी फिलहाल, सबको के पास हाथ में झंडा मिल चुका है। वो सब लगा रहे हैं, और यहाँ पे जाम हो रहा है फिलहाल, एक आदमी गए, सब लोग बैठ चुके हैं यहाँ पे, सब निकल चुके हैं बाइक से, देख सकते हैं। और आई थिंक मेरा आवाज़ बहुत खराब से ही आ रहा होगा, क्या कुछ ऐसा लग रहा है। हम लोग पहुंच गए फाइनल डेस्टिनेशन पर घंटेघर के पास, और सब ये ज़्यादा ही है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मोर्चा निकल रहा है राष्ट्रीय बजरंग दल का, तो हवा लोक रहे हैं। सब कुछ इसमें सिक्योरिटी के साथ है, तो आई होप बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री राम। देख सकते हैं फिलहाल अभी हम लोग रुके हैं काशी के, अभी आगे बहुत ज्यादा ही आगे हो गए हम लोग। सो लेडीज जो है वो उनको अगाड़ी करके हम लोग पछाड़ी होते हैं, क्योंकि वो पछाड़ी रहना ठीक है हम लोग को, और ज्यादा अगाड़ी उसी के वेट में अभी फिलहाल ये अभी आ रहा है। अभी फिलहाल हम भी हम लोग है छत्तीसगढ़ में है, अभी फिलहाल हम लोग हनुमान मंदिर आ चुके हैं, अभी हमारा बजरंग दल टीम जो पुलिस तक दिला रहे हैं हमसे पानी की, बहुत ज्यादा बजरंग दल का काम है हम लोग का। तो
गाइस अभी फिलहाल घर पे आ चुका हूँ मैं, थोड़ा शांत लग रहा है क्योंकि जूता ऊपर से निकाल दिया हूँ, पूरा जकड़ गया था और कुछ इस तरह से लौक रहा हूँ। आज जो गया था ना तो मेरे से दो बार पुलिस से होता है APF आर्मी पुलिस फोर्स, दो बार मुझे झगड़ा हो गया वो लोग से। सो नहीं बात ये है कि मतलब वो हमको ढकेल रहे थे, भाई बोल दो कि हाँ इधर से चले जाओ, बोलते हम चले जाएंगे ना, वैसे भी तो बोलेंगे तो चले जाएंगे हम, वैसे चीज़ ही है कि हाँ रात है तो रात को आने दीजिए, हम तो अपने बजरंग दल के आदमी, हम तो अपने हटा दीजिए थे, पर वो ले लिया था सेफ्टी गार्ड, हमको मुँह में ठेल रहा था, ऐसा कर रहा था वो, कहा भाई तो खिसवड़ गया, ढा दिए हम भी, तरना लगा हम पैर, तो हम भी तरना गए, तो हो गया, वो इतना नहीं था, छोटा ही हो गया। तो अभी फिर चलते भूखला भी, भूख भी लगाया, तो आम खाएंगे और चलेंगे दुकान के लिए। वो क्या कर रही है, बर्गर आ चुका हूँ और अभी तक तो कोई गेट नहीं खोल रहा, मेरे को बहुत जोर से नहीं लग रहा है, ये भी खोल खोल, मम्मी आ गई। फिलहाल हो रहा है दोपहर का 6 बज रहा है, जब साया में तब जो सोया ही था बहुत देर में थका ही हो गया, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही हो गया था रथ यात्रा में, उसी कारण अभी तक मेरा सिर दुख रहा है, बहुत दुख रहा है, और आज मौसम बहुत साफ लग रहा है, पहले की तरह में बहुत साफ है आज मौसम। सो फिर अब जा रहा हूँ, फिर नींद लग रहा है, फिर जा रहा हूँ सुबह, धानी कब तक नींद लगेगा, मुड़ी बहुत दुख रहा है, सर बहुत दुख रहा है मेरा। देखते हैं अभी चाय और नाश्ते किए, फिलहाल आए हम लोग मार्केट आम के लिए, और पूछते कितना प्राइस है यार, सो यहीं पर है 200 में 2.5 किलो मिल रहा है उधर किधर ना 200 में 3 किलो चिल्ला रहा है। अभी फिलहाल हम लोग घंटाघर में बाल रोक रहा है, ये है जिम पार्टनर, इनका अभी तक नहीं गया, मेरा गया खाना आ चुका है, रोटी भिंडी की भुजिया